show you off in Lambos out on Collins. I be तो इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्री फायर अकाउंट को फ्री फायर मैक्स में आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ऑल डिटेल्स आपको इस वीडियो मिल जाएगी, बस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको सब कुछ यहां पर चीजें समझ में आने वाले। इसे ट्रांसफर कैसे करना है, मतलब यहां पर फ्री फायर का जो एक नॉर्मल अकाउंट है हम डेली यूज करते हैं, उस अकाउंट को आपको फ्री फायर मैक्स वर्जन में आपको कैसे ट्रांसफर कर लेना है। ऑल डाटा आपको जितना भी यहाँ पर फ्री फायर नॉर्मल में है सब कुछ यहाँ पर जितना भी डाटा आपका सभी डाटा यहाँ पर फ्री फायर मैक्स में ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को फॉरवर्ड किया कहीं भी यहाँ पर अगर फॉरवर्ड करके देखा तो एक भी अगर स्टेप आपकी मिस हुई तो सिंपल आप यहाँ से ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इसी रीजन की वजह से इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। नॉर्मल फ्री फायर अकाउंट को हम फ्री फायर मैक्स में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ऑल डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और उसके साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। तो जो अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते, ये है मेरा एक नॉर्मल फ्री फायर अकाउंट। जो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर आप कलेक्शन देख लीजिए फर्स्ट, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। तो फर्स्ट हम यहाँ से कलेक्शन देख लेते, जो अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, अभी मेरे पास यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा सिर्फ यहाँ पर दो इमोट मैंने परचेस किए। उसके बाद जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इमोट है सभी के सभी इमोट के ऊपर यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो बैकपैक आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 3 बैकपैक मेरे पास अब भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कोई भी बैकपैक अवेलेबल नहीं है। उसके बाद स्काईविंग एक भी नहीं है। उसके बाद सरपोर्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि यहाँ पर 3 सरपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। उसके बाद पैराशूट भी देख सकते हैं, अब ये भी यहाँ पर आपको 3 पैराशूट दिख जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर लूट बॉक्स देख सकते हैं वो सिर्फ मेरे पास एक है। उसके बाद व्हीकल की स्क्रीन आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो टोटल यहाँ पर 3 व्हीकल की स्क्रीन है जो कि मेन स्क्रीन है। उसके बाद बाकी की मुझे यहाँ पर 2 मिल चुकी है। उसके बाद बैनर देख लीजिए, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद अवतार भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद पिन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी यहाँ पर मेरे पास 3 पिन है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी डाटा अभी मैंने शो किया वो सबको डाटा अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर फ्री फायर मैक्स वर्जन में इससे ट्रांसफर करना है। उसके पहले यहाँ पर आप कैरेक्टर भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर अभी जो मेरे पास कैरेक्टर वो टोटल यहाँ पर 6 कैरेक्टर है। बाकी के जितने भी कैरेक्टर सभी सभी कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हमें ये सब कुछ यहाँ पर फ्री फायर मैक्स में यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो सिंपल से आपको अब करना क्या है, ये हुआ हमारा फ्री फायर का नॉर्मल अकाउंट। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी है, जो कि आपके सामने यहाँ पर करने जा रहा हूँ। जो सिंपल से आपको यहाँ से आपको लॉगआउट कर लेना है, जो कि आपके सामने यहाँ पर मैं लॉगआउट कर रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर अभी यहाँ पर जो ये अकाउंट है मेरा सिंगापुर सर्वर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप लेफ्ट साइड की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन सर्वर दिखेगा, अगर आप इंडियन सर्वर से रहोगे तो सेम यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला, सेम प्रोसीजर है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो सिंपल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप करना क्या, हमें लॉग आउट कर देना है। तो यहाँ से मैंने लॉग आउट कर दिया है, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब यहाँ से लॉग आउट करने के बाद आपको और एक यहाँ पर स्टेप को फॉलो कर लेना, सिंपल है। आपको यहाँ से गेम को बैक कर लेना है। तो यहाँ से हमने बैक किया, यहाँ पर गेम एप्लीकेशन को खोल दिया, क्लोज कर दिया। अब आपको करना क्या, फ्री फायर मैक्स का एप्लीकेशन प्री रजिस्टर कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स का और एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन जो कि फ्री फायर का रहेगा, और सेकंड रहेगा यहाँ पर फ्री फायर मैक्स का, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फ्री फायर मैक्स को ओपन करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर मैंने ओपन किया है। आपको सब डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगी, बस वीडियो को एंड तक देख लेना, तभी यहाँ पर आपको बाकी की चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने अभी यहाँ पर फ्री फायर मैक्स को ओपन किया है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या, कुछ चीज़ें यहाँ पर फिर से एक बार आपको फॉलो कर लेने। अब यहाँ से आपको करना क्या, जो मैंने मैंने आईडी बनाई थी वो थी यहाँ पर गेस्ट आईडी, जो कि यहाँ पर सिंगापुर सर्वर की थी। तो फिर से एक बार आपको यहाँ पर गेस्ट आईडी से लॉगिन कर लें। मान लीजिए आपने फेसबुक से लॉगिन किया इंडियन सर्वर, तो फिर से आपको वही यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो कर लेना। अगर आपने एक मोबाइल में फ्री फायर नॉर्मल में जिस भी आईडी, मतलब जिस भी यहाँ पर सोशल मीडिया से लॉगिन किया, उस सोशल मीडिया से फिर से एक बार आपको यहाँ पर फ्री फायर मैक्स में ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा। तो हमने यहाँ पर गेस्ट आईडी से लॉगिन किया था नॉर्मल फ्री फायर में, तो इसमें भी हम यहाँ पर गेस्ट आईडी से ही लॉगिन करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको फिर से एक बार कुछ चीज़ें को फॉलो कर लेने, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। अब यहाँ से मैंने आपके सामने सिंपल यहाँ पर फ्री फायर मैक्स वर्जन में लॉगिन किया।
अब यहाँ पर जो भी आपको यहाँ चेंजेस देखने को मिल जाएगा जो कि आपके सामने, बस आपको यहाँ पर एक यहाँ पर जो टी शर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका अकाउंट यहाँ पर सिंपल ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी। अब आपको करना क्या है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर फ्री फायर नॉर्मल में आपको जो कुछ भी यहाँ पर दिखाया था सब आपको फिर से एक बार सिंपल आपको जो भी दिखाया था वो यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स वर्जन में दिख जाएगा। मतलब मैंने कैरेक्टर शो किए थे जो कि यहाँ पर बिल्कुल वही कैरेक्टर आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कलेक्शन के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको दो इमोट के बारे में बताया, जो कि यहाँ पर सिर्फ दो इमोट ही मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। बाकी की यहाँ पर जो भी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लॉक लगा, एनिमेशन के बारे में भी आपको बताया था, बैकपैक के बारे में भी आपको बताया था, उसके बाद स्काइविंग सरपोर्ट पैराशूट लूट बॉक्स व्हीकल के बारे में भी बताया था, जो कि आप मेरे सामने अभी इतने ही स्किन है, बाकी कोई भी स्किन आपको नहीं देखने को मिले, क्योंकि आपका जितना यहाँ पर डाटा रहेगा नॉर्मल फ्री फायर में सेम वही डाटा आपको सिंपल यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपको लॉगिन कर लेना और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल स्टेप से। तो अब बात आती है यहाँ पर फ्री फायर जो मैंने आपको सर्वर शो किया था, तो वही सर्वर आपको इस अकाउंट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर लेफ्ट साइड की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगापुर का सर्वर आपको दिख जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको मेन मेरे फ्री फायर के नॉर्मल अकाउंट में शो किया था। उसी के साथ यहाँ पर आपको डाटा भी मैंने सेम आपको शो किया है। बस यहाँ पर डिफरेंस आपको यही दिखेगा कि मैंने सिंपल से आपको गेस्ट आईडी से लॉगिन किया था, बट यहाँ पर आपको जो यहाँ पर अपडेट आ जाएगा फ्री फायर मैक्स का, तो सिंपल आपको हमें अभी जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग यहाँ पर फेसबुक अकाउंट का यूज़ करते हैं, तो सिंपल आपको वही स्टेप फॉलो कर लेना है। कुछ भी यहाँ पर आपको डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा भी यहाँ पर गाना कुछ चेंजेस कर देता है तो जिसके ऊपर भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी और एक वीडियो आप लोगों के साथ में बना के शेयर करने वाला हूँ। बस यहाँ पर जो यहाँ पर आपको ट्रांसफर है, बस आपको अभी जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेम आपको यही स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो सिंपल कमेंट करके पूछ लेना। तो यही कुछ ऐसा अपडेट में था जो कि यहाँ पर फ्री फायर नॉर्मल अकाउंट को आप फ्री फायर मैक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह का आज का अपडेट था, तो मिलते हैं ऐसी और एक एक्साइटिंग अपडेट में।